महान किरदार को, इस महान व्यक्तित्व को निभाने के लिए आपने किस तरह की तैयारियां की हैं, कब से किताबें पढ़ रही हैं और कहां कहां से ज्ञान आपने हासिल किया है? देखिए, पंडित जी के दर्शन के बारे में अध्ययन, मनन और चिंतन करना, पुस्तकें पढ़ना, किसी भी किरदार को, किसी भी भूमिका को निभाने का एक छोटा सा पक्ष है। भूमिका निभाना, स्क्रीन पे उसको चरितार्थ करना, उसको स्क्रीन पे पर यथार्थ में प्रस्तुत करना, वो दूसरी विधा है। तो जब आएगी सामने, तो एक हिंदी में कहावत है, नाई नाई बाल कितने के हुजूर सामने आ जाएंगे। अभी से क्या होते आज अनुजी, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे लोग धड़क कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो फिल्मकार है वो बंदिश में बन चुका है, क्योंकि बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना है, ध्यान रखना पड़ता है, पता नहीं किसको क्या बुरा लग जाए और कंट्रोवर्सी बन जाए। इस पर आपका क्या टेक है? सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो चुकी है, जब भी कोई नई विधा सामने आती है तो उसके दोनों पहलू होते हैं। आग खाना भी पकाती है और आग हाथ भी जलाती है। वैसे ही सोशल मीडिया है, जहां हर एक व्यक्ति को अपने विचार बेधड़क कहने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया। लेकिन उन विचारों के पीछे कितने तटस्थ भाव हैं, कितना सत्य है, सत्य है कि नहीं है, कि अफवाहें हैं, कि सिर्फ अफवाहों के नाम पर आपका ध्यान आकर्षण करने की जम्मू की एक कलाकारी है। क्या चैलेंजेस आपने अब तक फेस किए और बहुत ही जल्दी शूट भी शुरू होने वाला है, तो आपकी तरफ से किस तरह की तैयारियां चल रही है, अगर उस बारे में कुछ बताएं? सर, तैयारियां चल रही है, जितना मैंने सुना, जितना मैंने पढ़ा, और ऑब्वियसली उसको चेक तो करना पड़ेगा ना, तथ्यों पे, उन तथ्यों पे चेक तो करना पड़ेगा कि क्या ये सच। अब मैं, जैसे आपका एक सवाल था कि ये मिस्ट्री है, मर्डर है, क्या है, ये है या नहीं है, मैं बहुत छोटे छोटे से दो तीन चीजें बता देता हूँ आपको। सीबीआई ने भी जो अपनी जांच की रिपोर्ट दी थी, उन्होंने भी ये माना था कि दो चोरों ने इनका मर्डर किया पैसे के लिए, इसका मतलब मर्डर तो था, ये रिपोर्ट है, सीबीआई ने मानी है। अब उनका कहना कुछ है, नहीं नहीं मर्डर था, दो चोरों का नाम है इसमें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक फिल्म थी 26/11, जिसमें एक लास्ट सीन है जब नाना पाटेकर जी कसाब को लेके मौत में आते हैं। वो क्लिप मिस्टर अमिताभ बच्चन ने देखा और देखने के बाद रामगोपाल वर्मा से ये कहा कि इसको निकाल दी। रामगोपाल वर्मा ने मुझे फोन किया और कहा कि रशीद तुम जल्दी आओ, उनका ऑफिस यहीं साई रोड में, बड़ा डार्क रूम रहता है उनका। गया मैं, बोले रशीद यू हैव टू डिलीट दिस सीन, वही सीन है उस फिल्म में। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि तुमने जो लिखा है उस पर पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो सकता है। हमने कहा तो होने दीजिए, फिल्म बन रही तो होनी चाहिए। बोले नहीं यार, फिर तो टेररिस्ट आएंगे तो मैं क्या करूंगा। हमने कहा मेरा एड्रेस ले लीजिए, मेरे घर भेज दीजिएगा, मुझे आके मार देंगे। नहीं, यू आर जोकिंग। आपने कहा ना कि कितने तरीके से उस पर रिसर्च किया गया, उसमें जिहाद के बारे में मैंने लिखा है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान से जितने भी मौलाना मौलवी हों और इस्लामिक थियोलॉजिस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मौलाना मौलवी, आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामिक थियोलॉजिस्ट जो इस्लाम को समझते हैं, माई फादर वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, हु इज नो मोर, आप उनको बुलाइए। जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी मंदिर हैं, आप वहां से उन लोगों को बुलाइए। सर, इसमें आपको एक फर्स्ट पब्लिसिटी भी मिल जाएगी, 20-25 लाख रुपया रोज का खर्च होगा, पब्लिसिटी भी मिल जाएगी। एक तरफ वो बैठेंगे, कटघरे में मैं खड़ा हूँ, उनके सवाल मेरे जवाब। बिल्कुल, बस रामू जी सलट गए, चले गए।